हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस का। और आपको इसमें कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, बिकॉज इसमें वॉक इन इंटरव्यू आपका होने वाला है। सैलरी 1,01,000 रुपीज़ तक है, राइट दोस्तों। और इसमें जितने भी तीन प्रोफाइल हैं इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, थ्री प्रोफाइल इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर ऑल मेडिकल कैंडिडेट्स, ऑल टाइप ऑफ लाइक डिपार्टमेंट हेयर इज राइट। इसमें जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अप्रोक्सीमेट सारे दिए गए हैं, उसमें हम देखेंगे। तीन प्रोफाइल है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है, और कैसे अप्लाई करोगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए वो हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देखेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी वो हम देखेंगे, राइट। तो उससे पहले, अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। और गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको एवरीडे मिलते रहे। तो वेरी क्विकली हम देखते हैं इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल NS3 NIT फरीदाबाद हरियाणा में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, राइट। आपका जो है ये देखिए वॉकिंग इंटरव्यू 20 को है। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड देन फिर आपको कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। बट हम देख लेते हैं सीनियर रेसिडेंट्स अगेंस्ट GDMO और जूनियर रिसर्चर्स रेसिडेंस। इसमें देखिए 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 ईयर के लिए, ये 3 ईयर के लिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें आपका जो है एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होगा, राइट। आपको जो है इसमें भरना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी, तो वो हम देखेंगे। अराउंड 75 वैकेंसीज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि देखिए एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, ENT, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ICU, इस तरह से ये देखिए डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक, कैजुअलिटी, ये सब जो है आपका में निकली हुई वैकेंसीज, राइट। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अराउंड 75 है। बायफर्केशन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो 75 वैकेंसीज हैं टोटल, बट आपका जो है नंबर ऑफ सीट बढ़ सकता है, घट सकता है। आपका इंटरव्यू लोकेशन है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल NS3 NIT फरीदाबाद। 9 बजे आपको पहुंच जाना है। आप अप्लाई कैसे करोगे, इसमें जो है अगर नंबर ऑफ, जैसे रिजर्व कैंडिडेट है, अगर OBC SC ST या वाले कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए, तो फिर 45 डे के अंदर अगर दोबारा से अगर प्रोसेस बताया जाएगा जो अब्सेंट रहे या जो पूरा वैकेंसी फुल नहीं हो पाया, तो फिर नोटिफिकेशन आएगा, एंड देन फिर जनरल कैंडिडेट से भर दिया जाएगा, राइट। बुलाया जाएगा जितने भी होंगे कैंडिडेट, और उसी के बेसिस पे उसके बाद देखिए इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका सीनियर रेसिडेंस के लिए, इसमें जो है PG डिग्री और डिप्लोमा चाहिए इन कंसर्न स्पेशलिटी। जैसे वहाँ दिया गया था मेडिकल डिपार्टमेंट, आपका ENT डिपार्टमेंट, उस सब रिलेटेड डिपार्टमेंट में आपका PG डिप्लोमा चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन चाहिए, 45 से ज़्यादा एज नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सैलरी आपका जो है 67,700 रुपये पर मंथ, प्लस लेवल जो है 11 का होगा, और उसके बाद अलाउंसेस बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद दूसरा है सीनियर रेसिडेंस अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ जनरल ड्यूटीज मेडिकल ऑफिसर फॉर 1 ईयर। ये 1 ईयर के लिए PG डिग्री, DNB और डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशलिटी, नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर ऑफ एज डेट ऑफ इंटरव्यू, राइट। 45 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। सैलरी जो देखिए 1,01,000 पर मंथ होगा, राइट। और ये टोटल अमाउंट है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं दिखाया गया है। थर्ड जो है जूनियर रेसिडेंट 1 ईयर के लिए है, इसमें देखिए आपका 30 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, एंड MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, राइट, MCI से रजिस्टर्ड होना चाहिए। 21,000 प्लस आपको अलाउंसेस मिलेगा, राइट, एंड अदर अलाउंसेस मिलेंगे। कैसे अप्लाई करना है, esic.nic.in पे जाके आप वहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू का ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट में, आप वॉकिंग इंटरव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको फरीदाबाद लोकेशन ESIC हॉस्पिटल का ये जो है आपका वॉकिंग इंटरव्यू का आ जाएगा, राइट।
तो इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपका एमसीक्यूज टाइप का भी हो सकता है, एप्टीट्यूड नॉलेज टीचिंग सब्जेक्ट विल बी, तो ये सब थोड़ा हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जो है आपका 20,000 का जो है आपका एग्रीमेंट साइन होगा, जैसे कि 3 ईयर का था जो सीनियर रेसिडेंट्स का था, फिर वन ईयर का था, तो 20,000 का आपका जो है इन द फेवर ऑफ ESIC फंड अकाउंट नंबर 1 पेएबल एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बॉन्ड बना के देना पड़ेगा, राइट, ताकि आप जो है 3 साल जितने ईयर का है उतने ईयर तक काम करो, अदरवाइज आपका लैप्स हो जाएगा मनी, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वॉकिंग इंटरव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू।